हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एक कॉन्जेनाइटल यानी कि जन्मजात रोग नहीं होता है, चाहे बेशक वो मदर से फीटस में ट्रांसफर होता है या कोलेस्ट्रम से पहुंचता हो, लेकिन फिर भी ये जन्मजात रोग नहीं कहलाता है, क्योंकि इसके प्रथम लक्षण दिखने में 2 से 10 वर्ष का समय लगता है। इसीलिए इसके जो लक्षण हैं बचपन से उपस्थित ना होने के कारण, जन्म से उपस्थित ना होने के कारण, इसलिए इसको हम कॉन्जेनाइटल यानी कि जन्मजात रोग नहीं कहते। लेकिन ये संक्रामक रोग है यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज है, अर्थात एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर होती है। इस रोग में हेल्पर टी सेल यानी कि सहायक टी लिम्फोसाइट्स या CD4 सेल्स की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि वायरस इन्हीं सेल्स में मुख्यतः अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है और इनको डैमेज करता रहता है, जिससे इनकी संख्या कम हो जाती है। इस रोग का सर्वप्रथम पता 1981 में अमेरिका में डिजीज कंट्रोल सेंटर अटलांटा में पता चला था, और भारत में ये रोग 1986 में चेन्नई में यानी कि मद्रास में एक प्रोस्टिट्यूट में पहली बार डिटेक्ट हुआ था, पता चला था। अब जो विषाणु है वो इस रोग का कारक होता है, अर्थात ये जो रोग होता है एक विषाणु से यानी कि वायरस से होता है, जिसे मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि शॉर्ट में HIV कहते हैं। यह विषाणु मनुष्य की जो प्रतिरक्षा तंत्र है या उसकी प्रणाली है उसको समाप्त कर देता है, हेल्पर टी सेल्स को नष्ट कर देता है, जिसके कारण कवकों यानी कि फंजाई, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरस यानी कि विषाणु और प्रोटोजोन्स आदि से होने वाले सिंपल इन्फेक्शन जो नॉर्मली नहीं होते हैं, वो इस प्रतिरक्षा प्रणाली के समाप्त हो जाने के कारण आसानी से हो जाते हैं, और मनुष्य इन संक्रमणों से अपनी रक्षा जो सामान्यतः कर पाता है लेकिन एड्स का रोगी नहीं कर पाता है, तो इससे वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता है और अंत में उसकी मृत्यु किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण होती है। एड्स से मृत्यु नहीं होती, एड्स से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिसके कारण सामान्य जो इन्फेक्शन नहीं होते वो इन्फेक्शन हो जाते हैं, और उन इन्फेक्शन से किसी न किसी इन्फेक्शन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु निश्चित होती है। रोग का संचरण यानी कि ट्रांसमिशन जो होता है, HIV का संचरण मुख्यतः बॉडी फ्लूइड से ही होता है, कोई भी द्रव से होता है, लेकिन पसीनों से यानी कि स्वेट से नहीं होता, और वो निम्नलिखित मेथड से हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है उसके साथ वो यौन संपर्क में है तो वो वहाँ से पहुँच जाता है। दूसरा, संदूषित यानी कि इन्फेक्टेड जो व्यक्ति है उसका ब्लड अगर किसी और में चढ़ा दिया जाए या उसके उत्पाद चढ़ा दिए जाए तो उस ब्लड की सहायता से वो वायरस उसकी बॉडी में पहुंच जाता है। तो संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों जैसे प्लाज्मा चढ़ाया जाता है तो उसके उत्पादों के आधान से ट्रांसमिशन से ट्रांसफ्यूजन से संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग कहाँ होता है कि जैसे अंतःशिरा इंट्रावेनस द्वारा ड्रग लेने वाले या ड्रग का कुप्रयोग करने वाले के मामले में इंट्रावेनसली एक ही इंजेक्शन से लोग ड्रग्स लगा लेते हैं आपस में, एक ने प्रयोग करी फिर दूसरे ने फिर तीसरे ने, ऐसा कर लेते हैं, तो अगर एक में वायरस है तो दूसरे में आसानी से संचित हो सकता है। संक्रमित माता से अपरा यानी कि प्लासेंटा के थ्रू फीटस में, गर्भस्थ शिशु में, और संक्रमित माँ से कोलेस्ट्रम द्वारा प्रथम दूध के द्वारा शिशु में जा सकता है। मिसकंसेप्शन यानी कि मिथ्या
या भ्रांत धारणाएं, एड्स केवल बॉडी फ्लूइड से फैलता, पसीने से नहीं फैलता। इसके अलावा ये रोग छूने से नहीं फैलता है, सामाजिक संपर्क में एक साथ कई लोगों के संपर्क में रहने से नहीं फैलता है, साथ साथ खाना खाने से नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, गले लगने से नहीं मिलता है, छींकने और खांसने से भी ये ट्रांसफर नहीं होता है, एड्स के रोगी की देखभाल करने से भी नहीं होता और मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता है। अब HIV की संरचना, ये एक रेट्रोवायरस है जो लेंटीवायरस फैमिली का मेंबर होता है। लेंटीवायरस फैमिली का मतलब है स्लो वायरस, स्लो एक्टिंग वायरस जो धीमे धीमे काम करता है, और रेट्रोवायरस जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है और RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से DNA का संश्लेषण करता है, फिर DNA बाद में RNA का संश्लेषण करता है, उसे हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। HIV की संरचना में अंदर की तरफ कोर होता है जिसके अंदर दो आइडेंटिकल सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो ये कोर के ऊपर कैप्सिड दिखाई देता है वो प्रोटीन का बना होता है, और उसमें दो तरह की प्रोटीन होती है, दो तरह का कोट होता है, अंदर वाला P24, बाहर वाला P18। इसके चारों तरफ लिपोप्रोटीनियस एनवलप होता है, यानी कि ये एनवलप्ड वायरस है, और एनवलप्ड के साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन की घुंडियां दिखाई देती हैं, प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 और नीचे वाला अंदर वाला GP 41। इसमें यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसमें एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है इंटीग्रेज। तीनों एंजाइम्स का काम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम होता है कि वो DNA से RNA से DNA का फॉर्मेशन करता है, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और प्रोटीएज का काम क्या होता है? जब इसकी ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो 161 के रूप में होता है, और वो प्रोटीएज एंजाइम इसको दो भागों में तोड़ देता है, 120 और 41 में। तो इसका काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करना। और इंटीग्रेज का काम क्या होता है कि जब ये DNA होता है तो सबसे पहले जैसे ही वो वायरस अपना RNA जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डालता है, तो डालने के बाद अब ये RNA DNA बना लेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से, और ये DNA होस्ट के DNA के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ये होस्ट का DNA है तो ये DNA भी इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, और इस DNA के, इस होस्ट के DNA के साथ जुड़ने के कारण अब हमारा इम्यून सिस्टम इसके DNA को पहचान नहीं पाता, क्योंकि ये DNA हमारे DNA के साथ मिक्स हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। इसके कारण हमारा DNA और इसके DNA में पहचान नहीं हो पाती, और इसका DNA हमारी मशीनरीज को यूज़ कर अपने लिए RNA और अपने लिए प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है, अर्थात वायरस के पार्टिकल्स के जो कंपोनेंट्स हैं, अवयव है, उनको बनाने में हेल्प करता है। तो तीनों एंजाइम का काम होता है। तो इसके अंदर एक कोर होता है जिसके अंदर इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं आइडेंटिकल सिंगल स्टैंडर्ड RNA के, इसमें प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज एंजाइम होता है। इसके ऊपर प्रोटीन जो कैप्सिड होता है, कवरिंग होती है, वो दो भागों में होता है, कोट P24 अंदर वाला, P18 बाहर वाला। इसके ऊपर लिपोप्रोटीनियस एनवलप होता है, और उसमें ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो घुंडियों के रूप में बाहर निकले होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट G120 और अंदर वाला पार्ट GP41 से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद जो एड्स के लक्षण हैं, अब एड्स के लक्षण को आने में कम से कम 2 से 10 वर्षों का समय लगता है। अब हमें यहां पर दो चीजें समझ में आनी चाहिए, विंडो पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड। विंडो पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड में मतलब क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो इसका 2 से 10 वर्ष होता है, और वो 2 से 12 सप्ताह होता है। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 12 हफ्ते होता है। तो दोनों का मतलब क्या है, विंडो पीरियड का और इंक्यूबेशन पीरियड का? तो विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है कि
इन्फेक्शन से लेकर रोगाणु के लेबोरेटरी तक डिटेक्ट होने का जो समय होता है वो होता है विंडो पीरियड। यानी कि जो लक्षण दिखाई देने का है, यानी कि रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने से, शरीर में रोगाणु के प्रवेश से प्रथम लक्षण दिखाई देने के बीच का समय वो विंडो पीरियड होता है। और संक्रमण तथा लैब में डिटेक्ट होने के बीच का समय, यानी कि जब पैथोजन अंदर गया और अंदर जाने के बाद वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट होने के बाद जितने समय बाद वो पहली बार डिटेक्ट हो सकता है लैब में, लेबोरेटरी में, उसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 12 सप्ताह होता है। इसका मतलब अगर 15 दिन के बीच में टेस्ट कराया जाए, एलिसा टेस्ट जो होता है इसका, अगर कराया जाए तो वो निगेटिव आएगा। इसका मतलब कम से कम 15 दिन के बाद लक्षण दिखाई देंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 12 सप्ताह होता है और विंडो पीरियड 2 से 10 वर्ष होता है। पहला लक्षण दिखाई देने में 2 वर्ष लगेंगे कम से कम, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 वर्ष। और पहला लक्षण दिखाई देने में कम से कम 15 दिन के बाद दिखाई देगा, 2 सप्ताह के बाद दिखाई देगा। तो इसका विंडो पीरियड 2 से 10 वर्ष है, यानी कि पहली बार लक्षण जब दिखाई देंगे तो वो 2 वर्ष के बाद दिखाई देंगे। और वो लेबोरेटरी में डिटेक्ट कब होगा एलिसा टेस्ट के द्वारा, वो 2 सप्ताह यानी कि 15 दिन के बाद डिटेक्ट होगा। इसके बाद अब पहले 15 दिन में एंटीबॉडीज फॉर्मेशन चल रहा होता है। तो चलने के समय इसका मतलब संक्रमण अब सबसे ज़्यादा है और अब इसकी जो इन्फेक्शन की दर है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन चूंकि एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है एलिसा में, इसीलिए एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन नहीं हो पाता है पहले 15 दिन के बीच में, इसीलिए एलिसा टेस्ट निगेटिव आएगा, क्योंकि उस समय एंटीबॉडी फॉर्मेशन बॉडी में चल रहा है लेकिन संक्रमण बहुत ज़्यादा है। अब जो जब संक्रमण का लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, उस लक्षण को हम पहली अवस्था है इसकी अलक्षणीय अवस्था। दूसरी है माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स, यानी कि माइल्ड मतलब हल्की, और फिर फुल ब्लोन एड्स। यानी कि जब लक्षण पूरे दिखाई देंगे और इसमें सीडी काउंट, जो सीडी फोर काउंट या हेलपटी काउंट है, वो 200 × 10^6 पर लीटर हो जाएगा, तब वो डिजीज हो जाएगी। तो पहले प्रारंभिक दिनों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको अलक्षणीय अवस्था बोलते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब अलक्षणीय अवस्था निकल जाती है तो उसमें अब धीमे धीमे माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स, यानी कि अब एड्स के लक्षण हल्के दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि अब धीमे धीमे संक्रमण बढ़ रहा था। और वो लक्षण है क्या कि लसिका गांठें फूल जाती हैं, यानी कि लिम्फ नोड फूल जाती है। इसके अलावा बोट्स ऑफ फीवर, बोट्स ऑफ फीवर का मतलब क्या होता है कि हल्का बुखार लगातार रहना, और 50% केसेस में तो स्वेटिंग होती है रात में सोते समय, नाइट स्वेटिंग बोलते हैं जिसको। और डायरिया यानी कि अतिसार हो सकता है। बाहर का कम होना यानी कि वेट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो एड्स में दिखाई देता है। और इस अवस्था में, इसके बाद इन माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स में, अब धीमे धीमे क्या होगा, जो हेल्पर टी सेल की संख्या है, सेल जो काउंट है, अब वो 200 × 10^6 पर लीटर हो जाएगा। जो नॉर्मल काउंट होता है 900 × 10^6 पर लीटर, वो उससे घटकर अब कितना रह जाएगा, 200 × 10^6 रह जाएगा। और इसी अवस्था को हम बोलते हैं फुल ब्लोनेट्स, जब संख्या घटकर इतनी रह जाएगी। और इसकी संख्या घटने से
अब क्या होगा कि जो इन्फेक्शन सामान्यतः नहीं होते हैं, यानी कि जो भी पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है उसको मार दिया जाता है, तो जो इन्फेक्शन नॉर्मली नहीं हो रहे हैं वो भी अब इन्फेक्शन हो जाएंगे, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं फुल ब्लोन एड्स। और बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर करते हैं लेकिन वो डिजीज नहीं कर पाते सामान्य अवस्था में, हमारा इम्यून सिस्टम उसको नष्ट कर देता है, लेकिन यहां पर इम्यून सिस्टम के वीक होने से, कमजोर होने से अब वो इन्फेक्शन आसानी से हो जाते हैं। जैसे मायोबैक्टीरियम एवियम से ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो जाएगा, जैसे कैंडिडा एल्बिकैन से कैंडिडियासिस हो जाएगा, कवक न्यूमोनोसिस्टिस से निमोनिया हो जाएगा, त्वचा की लसिका गांठ का कैंसर हो जाएगा, क्योंकि एचआईवी ओंको वायरस को भी प्रभावित करता है, कैंसर भी हो सकता है, और इसके अलावा और बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। और इस अवस्था में अब अधिकांश संक्रमण जो हो रहे हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने से होते हैं, ना कि नॉर्मल व्यक्ति में होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर CD4 काउंट या हेल्पर टी काउंट कम हो गया है। इसके बाद HIV का जीवन चक्र देखेंगे। अब हम HIV का जीवन चक्र में सबसे पहले HIV अब एक सेल में एंटर करता है जिसका नाम होता है मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज की सेल है, ये न्यूक्लियस और ये इसका DNA। सबसे पहले ये क्या काम करेगा, ये अपना RNA जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर करेगा, और ये RNA यहां पर अब DNA का फॉर्मेशन करता है, और जो एंजाइम इसमें यूज होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो DNA है, अब ये यहां से निकलकर अब इसके DNA में जाकर इंटीग्रेट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम इस DNA को पहचान नहीं पाया, क्योंकि अब हमारे DNA जैसा हो गया उससे ज्यादा मिक्स हो गया। अब ये जो DNA है, अब ये क्या काम करेगा, अब इसके लिए RNA बनाएगा वायरस के RNA। इसी के साथ साथ वायरस की प्रोटीन भी बनेगी, और फिर वायरस का कंप्लीट पार्टिकल बन जाएगा, बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे, और वायरसेस बनने के बाद अब ये सेल बाहर आ जाएगी। वायरस जो है वो अब कहाँ गया, बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद अब ये हेल्पर टी सेल्स पर जाएंगे। बहुत सारे वायरस बन गए, अब ये हेल्पर टी सेल्स पर पहुंचेंगे, और हेल्पर टी सेल्स के अलावा कुछ न्यूरॉन्स पर भी पहुंचते हैं। वहां जाकर अब ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जो साइकिल यहां मैक्रोफेज पर हुआ है, और ये सेल सर्वाइव कर सकती है लेकिन वायरस बनाने के बाद बाहर निकाल देती है। अब ये मेन जो पहले तो इन्फेक्शन मैक्रोफेज में था, लेकिन अब मेन इन्फेक्शन किस में हो जाएगा, हेल्पर टी सेल में या CD4 सेल्स में, क्योंकि जो 120 के जो है इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है वो इस हेल्पर टी सेल की CD4 सीक्वेंस होती है, इसलिए इसको CD4 सेल भी बोलते हैं। तो हेल्पर टी सेल में अब ये सेल एंटर कर जाएगी, वायरस एंटर कर जाएंगे, और अब ये इसी प्रोसेस के द्वारा अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, अपना गुणन स्टार्ट करेंगे, अपना जनन स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारे वायरस के पार्टिकल्स बनाएंगे। वायरस के पार्टिकल्स बनने से अब ये जो HIV जो वायरस से संक्रमित सेल है, यानी कि हेल्पर टी सेल्स है, अब ये HIV फैक्ट्री की तरह काम करने लगेगी, अर्थात इसमें बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बनते रहेंगे, और ये बनकर बाहर आते रहेंगे, अन्य हेल्पर टी सेल्स को संक्रमित करते रहेंगे, और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है, और धीमे धीमे हेल्पर टी सेल्स की संख्या घटकर 900×10^6 से 200×10^6 पर लीटर रह जाती है, और उसी कंडीशन को हम फुल ब्लोन एड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले ये अपने आप को मैक्रोफेज में डालेगा, मैक्रोफेज में डालने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये RNA DNA बनाएगा, ये DNA उस सेल के न्यूक्लियस में होस्ट के सेल के DNA में मिक्स हो जाएगा, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अब ये जो उसके कंट्रोल करने के बाद अपने लिए RNA और अपने लिए प्रोटीन बनवाता है, और बहुत सारे वायरस के पार्टिकल्स बनता है, इसमें से निकल कर बाहर आते हैं, अब ये हेल्पर टी सेल्स पर पहुंचते हैं, और हेल्पर टी सेल्स में यही गुणन करते हैं, और इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है, और HIV
वायरस के लिए अब हेल्पर टी सेल फैक्ट्री की तरह काम करती है, चाहे फैक्ट्री की तरह, अब बहुत सारे वायरस पार्टिकल बनने से अब ये बाहर मुक्त होते हैं, मोचित होने के बाद फिर दूसरी हेल्पर टी सेल्स में जाते हैं और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है और धीमे धीमे हेल्पर टी सेल्स की संख्या कम होती जाती है और धीमे धीमे माइल्ड फॉर्म के बाद अब फुल ब्लोन एड्स पे पहुंच जाती है। अब जो एंजाइम इसको यहां जोड़ता है उसका नाम होता है इंटीग्रेज। प्रोटीएज जब प्रोटीन बनती है तो वो 161 फॉर्म में बनती है तो उसको तोड़ता है 120/40 में और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम होता है आरएनए से डीएनए का संश्लेषण। अब इसकी जांच यानी कि डायग्नोस है वो दो तरीके से करते हैं हम। पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीन टेस्ट करते हैं एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बोंड ऐसे इसका नाम होता है। इसमें हम किसी भी व्यक्ति के ब्लड में एंटीबॉडीज को पहचानते हैं, क्योंकि अगर एक ऐसे एंटीजन का यूज करते हैं हम यहां पर जो एंटीबॉडी से जुड़ जाए, अगर किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर एचआईवी वायरस है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं उसकी बॉडी में, और हम जब इसका ब्लड लेते हैं और ब्लड लेकर हम उसको टेस्ट कराते हैं एलिसा से, तो एलिसा टेस्ट में हम यूज करते हैं एंटीजन। तो ये एंटीजन अगर एंटीबॉडी से रिएक्ट कर जाता है तो कलर चेंज आ जाता है, तो अगर ये इसके खिलाफ एंटीजन है तो यहां पर जो एंटीजन एलिसा टेस्ट में हमने यूज करा है तो वो एंटीजन इस एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा और वो कलर चेंज हो जाएगा और इससे प्रूव होगा कि उसमें अंदर एचआईवी प्रेजेंट है। लेकिन अगर उसके बॉडी के अंदर एचआईवी नहीं है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनी होगी। उसका जब हम ब्लड लेकर एलिसा टेस्ट कराएंगे तो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं होगी, इससे कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब उसके अंदर एचआईवी नहीं होगा। तो इस प्रकार से एलिसा टेस्ट में हम एंटीजन का यूज करते हैं बाहर से जो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करती है, क्योंकि अगर एचआईवी अंदर है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी होगी और अगर एंटीबॉडीज बनी होगी तो वो इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और उसमें कलरिंग सब्सटेंस क्रोमोजेंस भी यूज करते हैं जिससे कलर चेंज हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज है। अगर एंटीबॉडीज है तो एचआईवी है, अगर एंटीबॉडीज नहीं है तो उसके अंदर एचआईवी नहीं है, और अगर एंटीबॉडीज है तो वो एंटीजन से रिएक्ट करेगा, अगर एंटीजन से रिएक्ट करेगा तो कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा तो उसका मतलब क्या है उसके अंदर एंटीबॉडीज है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि उसके अंदर है या नहीं है। लेकिन जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो कन्फर्मेशन देता है कि हाँ भाई ये तो हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है उसमें हम करते हैं जो दूसरा टेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं पुष्टिकर प्रक्षेपण यानी कि कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्लस पीसीआर, इसका यूज करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में जब हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं तो हम उसे साउथर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, जब हम आरएनए को सेपरेट करते हैं उसे हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, और जब हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं तब हम उसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। तो चूंकि एंटीबॉडीज क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, तो इसीलिए अगर एंटीबॉडीज है बॉडी के अंदर तो वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग से सेपरेट की जाती हैं प्रोटीन्स को, और ये कन्फर्म करता है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज है, और पीसीआर से भी यूज किया था इसमें, तो इससे प्रूव होता है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, क्योंकि वो एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रोटीन होती हैं, और उन प्रोटीन्स को सेपरेट करके कंफर्म किया था कि हाँ भाई इसके अंदर एंटीबॉडीज है, तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट वास्तव में इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, एड्स का जो ट्रीटमेंट है वो है नहीं, उपचार नहीं है, इसका क्योर नहीं है, इसीलिए इससे बचना ही आवश्यक होता है, वही इसका निदान है। लेकिन फिर भी कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो इसमें यूज की जाती हैं और वो
दो तरह की होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जैसे जुडोविडाइन। जुडोविडाइन के अलावा स्ट्रेटोविडाइन और कुछ अन्य दवाइयां होती हैं जो यूज की जाती हैं किसके लिए, कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जाकर जो यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वायरस का उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, रोक देते हैं, इसके कारण उसका आरएनए से डीएनए नहीं बनता है। जब ये नहीं बनेगा तो ये यहां जाकर अटैच नहीं हो पाएगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, वायरस के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, अर्थात उसका रेप्लिकेशन कम हो जाएगा या रुक जाएगा। लेकिन ये दवाइयां इतनी कारगर नहीं होती है, केवल इसको कम कर पाती हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर पाती वायरस को, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, बस केवल मौत निश्चित को प्रोलोंग किया था, उसकी समय बढ़ाया था, यानी कि मौत तो निश्चित है लेकिन उसका जीवन काल थोड़ा सा बढ़ा दिया था इन दवाइयों के सहायता से। दूसरी होती है प्रोटीएज इनहिबिटर। यानी कि ये दवाइयां जो हैं, ये औषधियां जो प्रोटीएज एंजाइम है उस पर काम करेंगी और उसके एक्टिविटी को कम कर देंगी, क्योंकि जब ग्लाइकोप्रोटीन बनती है तो एक पॉलीमेरिक मतलब बड़ी फॉर्म में बनती है और उस बड़ी फॉर्म को उसके छोटी फॉर्म में तोड़ा जाता है, तो वो प्रोटीएज एंजाइम करता है, तो वो काम नहीं हो पाएगा, तो उसका जो वायरस के पार्टिकल्स बनने का प्रोसेस थोड़ा कम हो जाएगा, तो प्रोटीएज इनहिबिटर भी यूज किए जाते हैं। और तीसरे होते हैं HAART, HAART टेक्निक बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है कि हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और इस थेरेपी के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज इनहिबिटर्स दोनों का यूज किया जाता है और कलेक्टिवली दिया जाता है, जिससे एड्स का जो संक्रमण है उसको कम किया जा सके। लेकिन एड्स का जो इलाज है वो आंशिक होता है, अर्थात पार्शियल होता है, और केवल जो व्यक्ति है, रोगी है, उसकी उम्र को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु निश्चित होती है, उसको रोका नहीं जा सकता है। इसके बाद इसका रोकथाम यानी कि ट्रीटमेंट उपचार मतलब शिक्षा या किसी भी तरीके से उसको रोकथाम करना, ट्रीटमेंट उसको क्या नाम है कम करना, उसकी फैलने से रोकना। अब रोकथाम में एड्स एक लाइलाज बीमारी है, अतः इसकी रोकथाम ही इसका इलाज है, या इसको कम करने का तरीका केवल यह है इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो सबसे पहला तरीका है एजुकेशन देने का। एक इंस्टीट्यूट वो होता है संगठन नाको, जिसका जो साइन होता है वो इस टाइप से होता है, नाको का ये साइन होता है। नाको का मतलब क्या है कि एक सरकारी संगठन है, ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा कुछ गैर सरकारी संगठन भी लोगों को एड्स के बारे में समझाते हैं, एड्स के बारे में जागरूक करते हैं और शिक्षा देते हैं लोगों को कि इस रोग से बचा जा सके, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, इसलिए शिक्षा देकर ही इसको बचाया जा सकता है, वरना इस रोग का अभी तक कोई इलाज वैक्सीन नहीं बनी है। इसके अलावा जो दूसरा जो कंट्रोल है वो ब्लड की स्क्रीनिंग है, ब्लड स्क्रीनिंग, ब्लड स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाने से पहले उसकी जांच करना ब्लड स्क्रीनिंग कहलाता है। तो ब्लड स्क्रीनिंग से फायदा क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के ब्लड के अंदर HIV वायरस है तो उसकी पहचान कर ली जाती है स्क्रीनिंग के दौरान, और उसको ब्लड किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति का ब्लड जिसके अंदर HIV था चढ़ा दिया जाएगा तो जो जिस व्यक्ति में चढ़ाया जाएगा उसको भी एड्स हो जाएगा, इसलिए पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है कि उसके अंदर है या नहीं है। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन पर बैन, वैश्यकरण पर बैन लगाना, इसके अलावा सेफर सेक्स के लिए कॉन्डोम्स का यूज का
प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करना ऐड के थ्रू, संगठनों के थ्रू, जिस क्योंकि कॉन्डोम ना केवल दो बच्चों के बीच में गैप करने के लिए यूज होता है बल्कि वो STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने में भी होता है, क्योंकि एड्स जो होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से मैथुन के दौरान भी पहुंचता है, यौन संपर्क से भी पहुंचता है, इसीलिए अगर कॉन्डोम्स का यूज होता है तो वो एड्स के रोकथाम के में भी यूजफुल होता है। इसके अलावा ड्रग से बचना और डिस्पोजेबल सिरिंजेस का यूज करना, क्योंकि एक ही प्रकार की एक ही सिरिंज से कई लोगों के द्वारा इस्तेमाल करने से भी एड्स या कोई भी डिजीज फैल सकती है, क्योंकि वही डिजीज अगर किसी व्यक्ति के अंदर डिजीज है तो अगर वो सिरिंज का यूज कर रहा है तो सिरिंज का यूज करने से उस सिरिंज में वायरस आ सकता है, और वो जब वही सिरिंज दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज दूसरा व्यक्ति यूज करेगा तो वो वायरस उसके साथ जा सकता है, जैसे ड्रग्स एडल्ट के केस में होता है जो इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, तो एक ही व्यक्ति के द्वारा यूज किया गया जो ड्रग का इंजेक्शन होता है वही व्यक्ति दूसरा इस्तेमाल कर रहा है तब वो वहां से एड्स फैल सकता है। इसके अलावा रेजर्स हैं, ब्लेड्स हैं और डेंटल इक्विपमेंट्स हैं, उनका स्टरलाइजेशन करना चाहिए यानी कि विसंक्रमण करना चाहिए जिससे उन्हें यूज करते समय एड्स के चांस कम हो जाए, क्योंकि डेंटल इक्विपमेंट से भी जो है एड्स फैल सकता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।